हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक नया व्लॉग। सो आज मेरे साथ में गोविंद जी और मैं हूं इस वक्त एक्सेल 6 के अंदर। एक्सेल 6 के मोटे मोटे टॉपिक्स में जो लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा था वो है गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या बटन है, क्या क्या सेटिंग्स है उनके बारे में। और मेरे साथ में गोविंद जी, तो गोविंद जी के साथ में हम जानते हैं उस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में। और व्लॉग में हम जानेंगे कि जो मेन फंक्शन उस बटन में इंफॉर्मेशन में है वो क्या क्या है। आप उसको अपने हिसाब से सेट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनको फ़ोन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके शोरूम का आउटलेट का नंबर है, साथ ही के अंदर आप उनके एड्रेस पे जा सकते हो और गाड़ी का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो अगर आप जयपुर में रहते हो। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है एक्सेल 6 का ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और बताइए गोविंद जी, इसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे करें। तो ये पूरा गाड़ी का क्लस्टर मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो बीच में स्क्रीन दिया हुआ है, ठीक है, ये है MID स्क्रीन, इसको बोलते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें गाड़ी की आपको सारी चीज़ें जो है वो दिख सकती है। यहाँ पे इसमें टोटल 9 स्क्रीन्स हैं और स्क्रीन को चेंज करने के लिए यहाँ पर एक स्टिक दिया हुआ है। इस स्टिक को आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन चेंज होगी। और एक आपको इधर भी स्क्रीन ये दिया हुआ है, अगर हम इसको देखते हैं तो इस पर लिखा हुआ है ट्रिप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड टोटल कितनी गाड़ी चली हुई है, ठीक है, वो आ जाएगा। और जो दूसरी स्टिक है वो पूरे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए दी हुई है। तो अभी लाइक जैसे अभी गाड़ी है मेन स्क्रीन पे यहाँ पे, तो इस स्क्रीन पे हमें क्या क्या दिखता है, लाइक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखेगी, गाड़ी की रेंज दिखेगी अकॉर्डिंग टू फ्यूल गाड़ी कितना और चल सकती है, और यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स कितने चल चुके हैं। यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाएगी, यहाँ पे आपको आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगी और कोने पर हमारे पास आ गया कि कौन से गियर के अंदर। एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे आपको पार्किंग या जिस भी मोड में गाड़ी चल रही है वो सारा आपको दिखाएगी। अब लाइक मैं इस स्टिक को अगर प्रेस करता हूँ तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ पे भी हमें अपने को ये जो दिया हुआ है ये भी माइलेज के लिए ही है। इसमें 3 टाइम दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इस तरफ और यहाँ पे दिए हुए हैं किलोमीटर्स, ये माइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया लास्ट 5 मिनट में गाड़ी ने क्या एवरेज दिया होगा, लास्ट 10 मिनट्स में क्या एवरेज दिया एंड लास्ट 15 मिनट्स में क्या एवरेज दिया। यहाँ पे ऐसे लाइंस चलती है जब गाड़ी चल रही होती है, खड़ी गाड़ी में ये फंक्शन वर्क नहीं करता है। तो इस स्क्रीन पे हमें सारा माइलेज वगैरह दिखेगा गाड़ी का कि 15 मिनट में क्या एवरेज दिया, 10 मिनट में लास्ट क्या एवरेज दिया और लास्ट 5 मिनट्स में हमें गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आती है हमारी, ये इसमें हमें टोटल दिखाएगा कि ड्राइविंग टाइम कितना था। इसको मैं रिसेट भी कर सकता हूँ, लाइक मैं अगर इस स्टिक को लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो मेरा जो ड्राइविंग टाइम है वो हो जाएगा रीसेट, अभी ये जीरो हो गया। लाइक मुझे किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पहुँचने में मुझे कितना टोटल टाइम मेरी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें कितनी बार गाड़ी में जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप टाइम हुआ है और यहाँ पे टोटल आइडल फ्यूल अपने कितना सेव किया है। तो ये अभी जस्ट हमने गाड़ी स्टार्ट करी है और हम गाड़ी पार्किंग मोड पे है तो ये तो 35 ml बहुत ही कम हो गया क्योंकि गाड़ी ने आइडल स्टार्ट स्टॉप किया ही नहीं है अभी, इसलिए ठीक है। यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाएगा, डेट एंड क्लॉक, यहाँ पे ये मोशन का सेंसर लगा हुआ है, ये जायरोस्कोप हो गया हमारा। हाँ। बेसिक के अगर जी फोर्स मॉनिटर है ना, ये कुछ वैसा ही कुछ रहेगा कि हम अगर राइट लेफ्ट कुछ भी जा रहे होंगे तो ये आपको चलती गाड़ी में दिखा रहा होगा। यहाँ पे पावर एंड टॉर्क भी आप देख सकते हैं, लाइक दिस मैंने ये किया। तो कितना पावर जनरेट हुआ, कितना टॉर्क आया वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये लास्ट है, ये SL और ब्रेक, ये हाइब्रिड का फीचर है बट जब गाड़ी चल रही होती है तो कितनी बार ब्रेकिंग ब्रेक लगाई और कितना एक्सेलरेट करा वो दोनों चीजें आ रही है उसके अंदर, ये आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसमें देखो 3 मोड, पूरी गाड़ी दी हुई है, सेंटर में मोटर है, इंजन है और बैटरी है। तो ये अभी बैटरी की हमारे को दिखा रहा है कि क्या पोजिशन है, कितने परसेंट बैटरी है। ये मोटर है, जब ये गाड़ी चल रही होती है तब जब इंजन इसका जो टॉर्क असिस्ट है वो काम करता है तब ये मोटर का जो है एरो ऊपर इंजन की तरफ दिखाएगा और जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तब इसका एरो नीचे की तरफ दिखाएगा। तो यहाँ पे आप इसको हाइब्रिड को भी देख सकते हैं, ये ब्लैंक स्क्रीन हो गई। अब इसके बाद में हम आते हैं तो गाड़ी के जितने भी फंक्शंस हैं, गाड़ी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए इस प्रेस को, इसको हमें स्टिक को लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही हमने लॉन्ग प्रेस किया यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू ओपन होंगे, लाइक जैसे फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस यूनिट,
अब अगर हम डिस्टेंस यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस यूनिट का मतलब होता है कि हमें जो डिस्टेंस की यूनिट है वो किस उसमें चाहिए, किलोमीटर्स में चाहिए या माइल्स में चाहिए, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी हमें किस में चाहिए, किलोमीटर के एम पी एल चाहिए या लीटर पर 100 किलोमीटर, हाँ, और इसमें चाहिए यूके में। लैंग्वेज में हम गाड़ी में बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई है, लगे अगर नहीं भाई साहब मुझे इंग्लिश सही है, मेरे इंग्लिश हम इसको सेट कर देते हैं इंग्लिश पे, तो हमारा ये हो गया। फ्यूल रिसेट में हमें कहाँ करना है कि आफ्टर फ्यूल रिफ्यूलिंग के बाद में करना है, ट्रिप ए के बाद करना है या मैनुअली करना है, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, कि हमें इसमें फ़ारेनहाइट में चाहिए या सेल्सियस सेल्सियस में चाहिए। एग्जैक्टली तो हमें सेल्सियस में ही चाहिए। और गाइज अब आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी करिएगा और हमें बताइएगा। यहाँ पे सेंसर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आता है नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड। ट्रेलर मोड में अगर आप इसको रखोगे तो गाड़ी को जब भी कोई टच करेगा या कुछ भी इस पर टैप करेगा तो गाड़ी स्टार्ट करेगी चिल्लाना, साउंड करना स्टार्ट कर देगी, इसके गाड़ी के सायरन बजना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डोर लॉक का है ऑप्शन, तो डोर लॉक में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे डोर अनलॉक की भी है, ऑटो लॉक की भी है, ऑटो अनलॉक की भी है और अलार्म की भी है। लाइक डोर अनलॉक की अगर हम बात करें तो जब हम गाड़ी में एंटर होने के लिए रिमोट से गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो वो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन हो या आप चाहते हो कि चारों डोर मेरे एक ही बार में खुल जाए तो चारों डोर भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर डोर ओनली रखते हो तो एक बार अनलॉक करने पे ड्राइवर डोर खुलेगा, डबल अनलॉक करने पे चारों डोर खुलेंगे। ये ऑटो लॉक का सिस्टम है, जब गाड़ी हम चलाते हैं तो चारों डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना है या मैनुअली हम खुद लॉक करना चाहते हैं या शिफ्ट के साथ में इसको, गियर शिफ्टिंग के साथ में हमें इसको सिंक्रोनाइज करना है। गियर शिफ्ट होगा तो ये लॉक हो जाएगी। बेसिकली स्पीड के साथ ही रहना चाहिए ये, क्योंकि जैसे ही गाड़ी अबाउ 30 की स्पीड जाएगी डोर्स विल लॉक ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ऑटो अनलॉक का दिया हुआ है कि हमें इग्निशन ऑफ के साथ में अनलॉक चाहिए गाड़ी या नहीं चाहिए, हमें मैनुअल भी करना हो तो इसको आप ऑफ कर सकते हो यहाँ पे या शिफ्ट के साथ में कर सकते हो। जैसे न्यूट्रल कंडीशन में लाओगे गाड़ी, न्यूट्रल करी तो उसके अंदर पार्क करी तो अनलॉक हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, ओके नाइस। और यहाँ पे दिया हुआ है अलार्म का, तो अलार्म जो गाड़ी का सायरन है उसको आपको ऑन रखना है या ऑफ करना है वो आपके चिल्लाए रहना है, चिल्लाए बस। यहाँ से ये लास्ट इसकी सेटिंग है और यहाँ से हम इसको बैक आ गए, ठीक है ठीक है। ये लाइट्स का हो गया। अब लाइट्स में क्या है, जैसे फुट लाइट्स हमें किस तरीके से चाहिए, डोर्स के साथ चाहिए या मेन हेडलाइट्स के साथ चाहिए या इसको ऑफ ही करना है। फुटलाइट्स हमने बताई थी लास्ट वाला। सो गाइस लास्ट वाला जो व्लॉग था उसमें फुटलाइट के लिए आपने मेन मेन्यू में भी देखा था, वो उसके साथ में आपके पास यहाँ पर भी वो ऑप्शन मिल रहा है। ये सारे फंक्शंस वहाँ भी काम करते हैं। और लेन चेंजिंग का है, इसको आप ऑन या ऑफ दोनों। लेन चेंजिंग अगर आप करते हो तो उसकी लाइट ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो। एग्जैक्टली, ये गाइड में लाइट है। गाइड में लाइट में दो ऑप्शन आते हैं, या तो टू कार या टू होम, दोनों है। टू कार पे जाओगे आप तो जैसे आप घर से बाहर निकले, गाड़ी डिस्टेंस पे खड़ी है, तो आप जैसे ही गाड़ी अनलॉक करोगे गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी तो आप गाड़ी तक इजीली पहुंच सकते हो डार्क में। और टू होम में यह है कि आपने गाड़ी पार्क करी और घर तक जाना है, गेट तक जाना है, तो वहां तक गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेगी 10 सेकंड्स के बाद में, मतलब टाइम आप उसमें सेट कर सकते हो 30 सेकंड और 10 सेकंड 15 सेकंड का, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये एंटी थेफ्ट है, इसको ये वो शॉक सेंसर वाला सिस्टम है कि शॉक सेंसर कोई भी शॉक लगा या तो गाड़ी सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है एसी, आइडियल स्टार्ट स्टॉप। आइडियल स्टार्ट स्टॉप के ऊपर आपको एसी चाहिए नहीं चाहिए, तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप में जैसे ही गाड़ी बंद होगी तो एसी का जो है कंप्रेसर बंद हो जाएगा, तो सिर्फ फैन ऑन रहेगा, या कंफर्ट पे आप करोगे तो फिर वो गाड़ी आइडियल स्टार्ट स्टॉप में एसी ऑन ही रहेगा। ये है टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एग्जैक्टली, तो टायर प्रेशर यहाँ पे आपको दिखाएगा जब ये गाड़ी चल रही होती है, मूव कर रही होती है, तभी ये आपको दिखाता है, ठीक है। ये TPMS मोड, इसको आपको कंफर्ट मोड में लाना है या लोड मोड में लाना है। लोड मोड में मतलब अकेले, और लोड में मतलब बहुत सारे लोग हैं। हाँ मतलब ऑल पैसेंजर्स ऑक्यूपेंसी के साथ में लोड मोड में काम आता है ये। यहाँ पे डिस्प्ले आइटम्स में आप कार का कलर, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे कार में यहाँ पे आपको कैसा कलर आपको कौन सा चाहिए वो भी, कलर का कलर आपको कैसा चाहिए, ये सारी कैलेंडर का ये चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, DDMM YYYY में चाहिए या जैसे समझ गया, डेट मंथ ईयर किस हिसाब से चाहिए। ये है, ये फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री आपको चाहिए तो टाइम डिस्प्ले पे आ जाएगी। ओके
ये मोशन हिस्ट्री भी आप ऑन ही रखिए तो वहाँ पे दिख जाएगी मोशन की भी, आइडलिंग की भी डिस्प्ले ऑन है तो हमने ऑन कर रखी है। वो जो मैंने 9 स्क्रीन्स दिखाई थी वो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, उनमें से स्क्रीन को कम भी कर सकते हो आप। okay. ये वार्निंग को भी आप इसको एक एक स्क्रीन को आप जाते हो कि बहुत सारी स्क्रीन ना रहे हैं तो आप इन यहाँ से जा यहाँ से कम भी कर सकते। एग्जैक्टली ओके ठीक है, यहाँ से हम आते हैं बैक। इकोलाइट इसको, ये इकोलाइट ये जो दी है ऊपर जो देख रहे हैं आप ब्लू okay. कलर की एक लाइट जल रही है ये, yes. ये इकोनॉमिकल लाइट है। जब इसके अंदर जब गाड़ी में ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन चल रहा होता है तब ये ग्रीन हो जाती है और नॉर्मल मोड पे ये ब्लू चलती है। तो इसमें तीन कलर चेंज होते हैं, पर आप चाहो एक कलर रखना, एक ही कलर रखना है तो आप एक कलर भी रख सकते हो। ये डिफॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन है कि आपको सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट करनी है और यहाँ से बैक करके हमने वापस आ जाना है। यस सो व्लॉग लंबा खिंच गया और फीचर्स बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं फीचर्स। सो अगर आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आए, आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में हमें बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें वापस से पूछ सकते हैं, जैसा कि हम हर व्लॉग में बोलते हैं आपको। और नेक्सा की कोई भी क्वेरी हो आप इनसे भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ताकि हम उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करके आपके सामने नई नई चीज़ें ला सकें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय टाटा बाय बाय।